हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और आज भी हम एक प्रिंटर लेके ही आए हैं। एक प्रिंटर नहीं, प्रिंटर की हम टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी प्रिंटर्स के बारे में, जिसका मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ कि हमने बात की थी डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर जेट के बारे में। डॉट मैट्रिक्स हमारे आने बंद हो चुके हैं, आ रहे हैं लेकिन अब वो यूज़ में नहीं है, और इंक टैंक प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में डिटेल के अंदर बात करी थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो जरूर देखिएगा। अगर आप लैपटॉप लेने, प्रिंटर लेने जा रहे हैं तो आप हमारी पहले वाली वीडियो जो हमने बनाई थी इंक टैंक और इंक जेट को लेके, वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे लेजर जेट प्रिंटर की। देखिए, लेजर जेट प्रिंटर में क्या है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होती है इंक जेट प्रिंटर के कंपेरिजन में। इंक जेट प्रिंटर जहाँ पे इंक बेस होता है, ये लेजर जेट प्रिंटर होते हैं पाउडर बेस। मैं आपको इसकी थोड़ी सी वर्किंग बता देता हूँ। जैसा इंक जेट प्रिंटर में जब आप पेपर प्रिंट आउट के लिए देते हैं तो वो हेड होता है और वो मूव करके मूव करता है और तब प्रिंटर वो पेपर के ऊपर प्रिंट करता है। लेजर जेट की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें पाउडर यूज होता है, अंदर एक ड्रम यूज होता है, अंदर एक हीटर यूज होता है। जब भी आप लेजर से प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो गर्म आता है, आपने कभी देखा, थोड़ा सा हीट होता है उसमें, क्योंकि अंदर हीटर होता है, पाउडर पेपर पे स्प्रे करता है और हीटर उसको उस पे एक तरह से चिपका देता है, अगर हम एक आम भाषा में बात करें तो। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि लेजर प्रिंटर किस लिए यूज होता है, आपको घर के लिए प्रिंटर चाहिए, लेना चाहिए लेजर या नहीं। देखिए, अगर मैं बात करूं ड्यूरेबिलिटी की, तो लेजर प्रिंटर सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं इंकजेट से भी ज्यादा। अगर आपने यूज करना है घर के लिए ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, कलर नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट, आप ये मत कहिएगा कि लेजर जेट कलर भी आते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि अगर बात करना है हमें लेजर जेट के प्रिंटर के बारे में और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, तो मैं आपको हमेशा यही प्रेफर करूंगा, और आपका बजट भी है, आप लेजर जेट प्रिंटर लें। लेजर जेट प्रिंटर की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है प्रिंटर की कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं। देखिए, यहाँ पे ना प्रिंटर के बारे में हमारी दो कॉस्ट होती है, एक बाइंग कॉस्ट, एक रनिंग कॉस्ट। जैसे हमने बात की थी इंकजेट प्रिंटर के अंदर जो बाइंग कॉस्ट होती है वो तो बहुत सस्ती होती है, लेकिन रनिंग कॉस्ट बहुत महंगी होती है। ऐसे इंक टैंक प्रिंटर में आपकी बाइंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, रनिंग कॉस्ट कम होती है। ऐसे ही लेजर जेट प्रिंटर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बाइंग कॉस्ट तो ज़्यादा होती है, लेकिन रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है। जी हाँ, अच्छा, हम बात करेंगे इसमें एक बार कंपनी की भी बात कर लेते हैं। मोस्टली मार्केट में आपको एचपी मिलेगा, कैनन मिलेगा, एप्सन मिलेगा, और एप्सन के बहुत कम होते हैं, या ब्रदर मिलेंगे आपके रेट में। एक फैंटम प्रिंटर भी है जो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस अगर हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रिंटर है वो है एचपी, जो एचपी सबसे ज़्यादा मार्केट में सेल होता है। उसका रीज़न एक ये भी है कि स्पेयर से इजीली मिल जाते हैं, जब कभी रिपेयर करने जाते हैं उसके कार्टेजेस जो हम टोनर्स कहते हैं वो इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, और हाँ, जो टोनर रिफिल हो जाते हैं, हालांकि कंपनीज मना करती है, लेकिन फिर भी मार्केट में कॉस्ट कटिंग के लिए लोग रिफिल करा लेते हैं, रिफिलिंग भी इजीली हो जाती है। इसलिए एचपी के अंदर अगर हम कहेंगे कि मार्केट में ज़्यादा डिमांड है और मार्केट में मोस्टली लोग एचपी यूज़ करते हैं। अभी आप मैं बात कर रहा था कि लेजर जेट घर के अंदर कलर वाला क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो बता दूँ, लेजर जेट कलर्ड प्रिंटर की कॉस्टिंग 30,000 से स्टार्ट होती है। जी हाँ, अगर आप मल्टी फंक्शन में चले जाएंगे, प्रिंटर कॉपी स्कैनर पे, तो 35,000, 36,000 या 40,000 तक आपको इसकी स्टार्टिंग रेंज मिलेगी। अगर हम इसके टोनर्स की बात करेंगे तो करीब करीब 17,000 to 18,000 के इसके चार टोनर आते हैं। देखिए, जहाँ ब्लैक लेजर जेट के अंदर सिर्फ एक टोनर डलता है, वैसे ही कलर लेजर जेट के अंदर फोर टोनर चलते हैं, एक ब्लैक होता है, एक सियान, मर्चेंटा, येलो, चारों अलग अलग होते हैं। हर एक टोनर की कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 4,000 से 5,000 के बीच में होती है, डिपेंड करता है, जो महंगे लेजर जेट प्रिंटर हैं कलर लेजर जेट, उनके टोनर की कॉस्टिंग और ज़्यादा होती है। मैं आपको बेसिक कलर लेजर जेट प्रिंटर की बात कर रहा हूं। अच्छा, उसकी पर पेज कॉस्टिंग भी आपको 10 से 15 रुपये की बैठेगी। हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए कि आप उस पर अगर पानी भी गिर जाए तो खराब ना हो, तो आप एक बार कलर लेजर जेट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक तो बल्की बहुत होता है और कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए घरों के अंदर ये प्रिंटर यूज़ नहीं होता है। ये प्रिंटर मोस्टली ऑफिसेज के अंदर यूज़ होता है। जो घरों में यूज़ होते हैं, हमने बात की थी इंक टैंक की, या आपने अगर ब्लैक एंड व्हाइट यूज़ करना है तो वो लेजर जेट की। अच्छा, जो छोटे सेलर्स होते हैं, छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो भी, उनको भी अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कलर्ड प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है तो आप लेजर जेट लीजिए,
लेजर जेट चाहे प्रिंटर लीजिए, लेजर जेट प्रिंटर आपके 10,000 रुपए से शुरू होते हैं, 1008 आता है एचपी के अंदर या 1108 आते हैं, और अगर आप मल्टी फंक्शन लेना चाहेंगे प्रिंटर कॉपी स्कैनर तो आपको वो भी मार्केट में मिल जाएंगे, 1136 आते हैं, और अब तो इसमें लेजर टैंक प्रिंटर भी एचपी ने लॉन्च कर दिए हैं जो 1020W और 1005W के नाम से आपको मार्केट मिल जाएंगे। हम इसका भी अभी थोड़ी सी डिटेल में जान बात कर लेंगे। तो दोस्तों अब आप यही सोच रहे होंगे कि हमारे लिए कौन सा बेटर है इनमें से। देखिए अगर आपको फोटोकॉपी नहीं करनी तो सिंपल है, आप एक लेजर जेट प्रिंटर ले लीजिए, आपके बिल प्रिंट आउट होते हैं, आपका खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा, आप 1,000 से 1,500 के आसपास प्रिंट आउट इजीली निकाल सकते हैं, मार्केट में इजीली रिफिल हो जाता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा अगर आप टोनर को रिफिल कराते हैं, रिफिल कराने के बाद कंपनी की वारंटी खत्म हो जाती है, जो भी कंपनी जितनी भी देती है वारंटी उसको खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप नए टोनर्स लेते हैं तो वो आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाती है, इसलिए मार्केट में 99% लोग उसको रिफिल करा लेते हैं। रिफिल ना कराने का भी ऑप्शन एचपी आज की डेट में दे चुका है, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो 1108 है ये लैपटॉप, आपको सिर्फ प्रिंटर ही प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर आपके एक उसके लिए एक छोटी आपने शॉप खोल रखी है या आप कहें ऑफिस में भी आपको सिर्फ प्रिंटर चाहिए तो आप ये प्रिंटर ले सकते हैं। इसमें वायरलेस और नॉन वायरलेस दोनों मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। इसी में अगर हम बात करेंगे तो प्रिंटर कॉपी स्कैनर की, तो ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। प्रिंटर आपका होता है उसमें स्कैनर भी होता है, कॉपियर भी होता है, और इसमें भी ATF प्रिंटर भी मार्केट में आते हैं HP के, जो आप देख सकते हैं वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कॉस्टिंग की, हमें क्या लेना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, अभी हम जो बात कर रहे थे लेजर टैंक प्रिंटर की, लेजर टैंक प्रिंटर एचपी आज की डेट में लॉन्च कर चुका है, इसके लिए आपको बार बार टोनर चेंज करने की जरूरत नहीं है। कि हाँ बार बार टोनर चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए कंपनी ने भी सोचा कि जब लोग रिफिल करा ही रहे हैं टोनर, तो मैं ही क्यों ना आपको एक रिफिल करने की किट दे दूं। तो पीछे प्रिंटर ने जुलाई में इसे लॉन्च, जुलाई से पहले ही इसको लॉन्च कर दिया था, जिसमें आपको एक रिफिल किट मिलती है जब आप पहले प्रिंटर लेंगे, उसमें 5000 पेजेस की तो आपको ऑलरेडी मिलती ही है, आप 5000 पेजेस तक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। साथ में आप फिर मार्केट से, जरूरी नहीं आपको बाहर जाना पड़े रिफिल कराने के लिए, मार्केट से 800-900 रुपए का आपको 2500 पेजेस का एक पाउडर पैक मिल जाता है, जो आप खुद ही रिफिल कर सकते हैं। यूट्यूब पे काफी वीडियोज हैं उसको रिफिल करने की, और जिससे आप परचेज करेंगे वो भी आपको गाइड कर देंगे। तो ये प्रिंटर मेरे को सबसे बेटर लगते हैं लेजर जेट के अंदर, जिससे एक 1005 भी है, 1020 क्या है सिर्फ प्रिंटर है, लेजर टैंक प्रिंटर, 1005W और 1005A एक नॉन वाईफाई है, एक W के साथ वाईफाई है। ये दोनों प्रिंटर इंक टैंक प्रिंटर है, आप इजीली इसे लीजिए, आप घर पे रखिए, एक्स्ट्रा एक पाउच लेके रख सकते हैं, जब भी आपको रिफिल करने की जरूरत पड़े सिंपल आपने वो पाउडर लगाया और उसको रिफिल कर दिया, उसकी भी कॉस्टिंग आपकी पर पेज 30 से 40 पैसे से भी कम बैठती है। ये ऑफिस के लिए एक ऐसा भी बिजनेस, हम स्मॉल मीडियम बिजनेस के लिए कहेंगे तो ये प्रिंटर सबसे बेस्ट होते हैं आपके लिए। और हाँ अगर आपको कलर प्रिंटर की जरूरत है तो फिर मैं ये कहूँगा फिर आप इंक टैंक प्रिंटर लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। और अगर आपको कलर की जरूरत नहीं है, आप देखिए कि कहाँ पे आपको सिर्फ प्रिंटर चाहिए, लेजर जेट चाहिए या लेजर टैंक चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगा। इसकी भी कॉस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, देखिए सिर्फ प्रिंटर की बात करेंगे तो 10,000 से 12,000, 13,000, 15,000 तक आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रिंटर कॉपी स्कैनर की बात करेंगे वो 14-15 हज़ार रुपये से स्टार्ट होकर आगे काफ़ी रेंज जाती है। अगर आप लेजर टैंक प्रिंटर की बात करेंगे तो आपको 16-17 हज़ार के मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप लेजर टैंक मल्टी फंक्शन की बात करेंगे जिसमें प्रिंटर कॉपी स्कैनर होते हैं, तो 22-23 हज़ार की रेंज में आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। देखिए मैं इस वीडियो में इससे ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगा, शेयर करूंगा बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी होती चली जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी प्रिंटर को प्रपोज करना नहीं था कि आप पर्टिकुलर ये प्रिंटर को ओपन करने बैठेंगे तो जैसे हमारी लैपटॉप मास्टर की एक सीरीज चलती है, हम प्रिंटर की भी चल जाएगी। कोशिश करेंगे हम कभी प्रिंटर को भी ले लेके, सिर्फ एक दो प्रिंटर को लेके उसके बेनिफिट और फीचर मैं आपको बताऊँ। तो लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलर एक एक प्रिंटर की फीचर्स और बेनिफिट नहीं बता सकता। इस प्रिंटर में हम यही सिर्फ डिस्कस करना चाह रहे थे कि आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। तो लास्ट के अंदर अगर मैं एक छोटा सा कंक्लूजन बता दूं तो यही है कि अगर आप घर के लिए कलर्ड प्रिंटर ले रहे हैं और आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है तो आप इंकजेट प्रिंटर ले सकते हैं, लेकिन आपके उसके कार्ट्रिज की EMI बन जाएगी, जब भी आप उसको यूज करेंगे तो आपको बार बार कार्ट्रिज खरीदनी पड़ेगी, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अगर आप
का बजट है 10 से 15 हज़ार का, तो आप इंक टैंक प्रिंटर ले सकते हैं। एचपी में काफ़ी इंक टैंक की फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो आप इजीली ले सकते हैं। स्मार्ट टैंक भी एचपी ने लॉन्च कर रखे हैं प्रिंटर, उसकी आपकी बाइंग कॉस्ट तो एक बार को 10 से 15 हज़ार पड़ जाएगी, लेकिन उसकी रनिंग कॉस्ट 10-20-30 पैसे पे ही रहती है। लेकिन अगर आपको कलर प्रिंटर की जरूरत नहीं है और आप 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं, 10,000 से 20,000, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा सिर्फ प्रिंटर के लिए। आप लेज़र प्रिंटर और उसके लिए मल्टीफंक्शन के लिए भी आप लेज़र प्रिंटर लीजिएगा। और हाँ, कलर लेज़र जेट प्रिंटर आप घर के लिए भूल के भी मत लीजिएगा, लेने से पहले पूरी उसकी डिटेल ले लीजिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी वो। एक तरह से हम कहना कि वो एक हाथी हो जाएगा आपके लिए पालने के बराबर, उसका खर्चा बहुत महंगा है, आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है, ये दो वीडियो, जो एक ये वीडियो आज हमने बनाई है और एक इससे पहले जो अपलोड करी थी इंकजेट और इंकटैंक प्रिंटर्स के बारे में, अगर आप ये दोनों वीडियोस देख लेंगे तो मेरे हिसाब से आपके प्रिंटर लेते हुए जो आपके माइंड में डाउट रहते हैं वो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कि अभी आपका ये डाउट है, तो हम कोशिश करेंगे वो भी क्लियर करने की। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। प्रिंटर की वीडियो हमने अपलोड करी है, लेकिन हम मोस्टली लैपटॉप से रिलेटेड सारी जितने भी नए नए मॉडल्स आते हैं उनकी वीडियोज़ बनाते रहते हैं, उनका बैक पैनल भी ओपन करके दिखाते हैं कस्टमर को। अगर आपने देखनी है तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं हमारी वीडियोज़, हमने जितने भी लेटेस्ट लैपटॉप्स लॉन्च हुए हैं सबकी वीडियोज़ बना रखी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो लेके आएंगे, कुछ नया करेंगे, कोशिश करेंगे नई वीडियोस, नया लैपटॉप आपके लिए लेके आए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।